हाँ तो भाई, अगर आपका बजट 25,000 रुपये, तो इस प्राइस रेंज में हमें दो बहुत ही बड़े महारथी देखने को मिल जाते हैं। एक है OnePlus Note 4 और सेकंड है Nothing Phone 2 है। तो अब दोनों के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो तो वीडियो लास्ट तक देखिए, मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि दोनों फोन में से आपके लिए कौन सा फोन बढ़िया होने वाला है। तो थोड़ी स्पेक्स पर चर्चा कीजिए। तो दोनों हमें सेम डिस्प्ले 6.7 इंच की फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश साथ में फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। सेंटर में पंच होल कैमरा, क्वार्टर नॉच, HD10 का सपोर्ट और वाइडबैंड L1 सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है। हालांकि OnePlus में हमें 1100 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है और जो है नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट अब साथ मिल चुका है। लेकिन उस जगह पर बात की जाए नथिंग में, तो हमें यहाँ पे 1300 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है, बट यहाँ पे हमें नेटफ्लिक्स में कोई भी HDR10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो देखिए, अगर आपको मल्टीमीडिया कंज्यूम करनी है, अगर आप वेब सीरीज मूवीज देखते हो, तो दोनों में से अगर आप कोई भी चूज करते हो तो इस सिनेरियो में आपको कोई भी तकलीफ नहीं, कि डिफरेंस आपको कहीं मालूम नहीं चलेगा। दोनों में लगभग सेम ही हमें जो डिस्प्ले की क्वालिटी देखने को मिल जाती है। बात करके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। OnePlus में हमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 वाले 5G प्रोसेसर, UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप और LPDDR4 की रैम टाइप देखने को मिलते हैं। और उसी जगह पे नथिंग में हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रो वाला एक 5G प्रोसेसर, UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप और LPDDR4 की रैम टाइप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें क्लियर विनर जो है OnePlus देखने को मिलता है। लगभग 8.5 लाख के आसपास M.2 बेंचमार्क देखने को मिलता है। CPU थ्रॉटलिंग में बढ़िया है, प्लस यहाँ पे 3.1 स्टोरेज टाइप होने की वजह से रीड एंड राइट स्पीड भी हमें ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस सेंट्रिक वाला फोन चाहिए तो सिंपल से इसमें कोई दो राय ही नहीं, OnePlus यहाँ पे विनर देखने को मिल जाता है। फिर अगर कैमरा सेटअप के बारे में, तो भाई देखिए, OnePlus में 50MP का डुअल कैमरा, 50MP का मेन कैमरा, जहाँ पे OIS देखने को मिलता है, सोनी के LYT 600 सेंसर देखने को मिलता है और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर देखने को मिल जाता है। हालांकि फ्रंट में 16MP की सेल्फी मिलता है। लेकिन उस जगह पर अगर नथिंग की बात करें, तो यहाँ पे नंबर बड़े 50MP का मेन कैमरा विद OIS देखने को मिलता है और प्लस 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर भी देखने को मिल जाता है और फ्रंट में 32MP की सेल्फी भी देखने को मिल जाती है। देखिए, मैं आपको क्लियर कट जवाब दे देना चाहता हूँ, अगर आपको फोटोज ज़्यादा खींचनी होती है, फोटोज आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है, तो सिंपल से आपके लिए OnePlus बढ़िया फोन हो जाता है। बट अगर आपको मतलब मेन क्राइटेरिया कि भाई मुझे वीडियो से शूट करने हैं, वीडियो मेरे लिए बहुत ज्यादा काम का, तो उस सिनेरियो में आपके लिए नथिंग फोन बेटर हो सकता है। OnePlus खराब नहीं, बट अगर यहाँ पे जो कंपैरिजन नहीं हो रहा है, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर आपको फोटोज के लिए OnePlus और वीडियोज के लिए नथिंग की तरफ जाना चाहिए, बट अगर आपको बीच वाला मार्क चुनना है कि भाई चलिए थोड़ा फोटोज और थोड़ा वीडियोज में काम चला लूंगा, तो मैं आपको बोलूंगा ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ में हमें जो है OnePlus का देखने को मिल जाता है। बात रखें बैटरी और चार्ज के बारे में, तो OnePlus में 5500mAh की बैटरी देखने को मिलता है। यह फोन 100W के फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है। चार्जर हमें डब्बे में देखने को मिलता है और उस जगह पे नथिंग में हमें वहाँ पे जो 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है और ये फोन 45W के फास्ट चार्ज का सपोर्ट देखने को मिलता है। हालांकि भी डब्बे में हमें कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलता, प्लस अगर आप चार्जर खरीदने जाते हो तो सिनेरियो में आपको 3000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एक क्लियर कट विनर हमें OnePlus देखने को मिलता है, बैटरी भी ज़्यादा है, चार्जर भी बड़ा है, प्लस हमें यहाँ पे चार्जिंग स्पीड भी ज़्यादा होने के बावजूद ही चार्जर डब्बे में। तो भाई ये सब तो यहाँ पे पॉइंट तो जुड़ेंगे ही। बात करें UI के बारे में, तो OnePlus में हमें Android 14 और यहाँ पे हमें OxygenOS 14 देखने को मिलता है। 2 साल का मेन OS का अपडेट, 3 साल का सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिलेगा। और उस जगह पे नथिंग की बात करें, तो वहाँ पे नथिंग OS 2.5 देखने को मिल जाता है, वहाँ पे भी Android 14 ही है, बट भाई यहाँ पे 3 मेन OS का अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिल जाता है। कि भाई भाई इन्होंने OnePlus में 3 से 4 ब्लूटूथ भी ऐड कर दिए। तो ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस जो है नथिंग में देखने को मिलेगा, थोड़ा बेटर मिलेगा। एक बात हो जाती है ना कि यहाँ पे प्रोसेसर थोड़ा कम देखने को मिल जाता है, तो सिनेरियो में आपको कहीं कहीं ग्लिच मिल सकता है। हाँ, मैंने बहुत सारे लोग में देखा है, उन्होंने बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे कहीं लैग मिल जाता है, कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। तो अगर आपको एकदम क्लीन एक्सपीरियंस है, तो आपको नथिंग की तरफ जाना चाहिए। नो डाउट उसका OS बहुत ही ज़्यादा शानदार है, क्योंकि OxygenOS कलर उसके साथ में मिल गया, तो कुछ लोग का टेस्ट बिगड़ चुका है कि भाई ये मज़ा नहीं आ रहा है। तो अगर आप फ्रेश कोई UI ट्राई करना चाहते हो, जहाँ पे एड्स भी ना हो, ब्लूटूथ भी ना हो, तो आप यहाँ पे नथिंग की तरफ जा सकते हो। नथिंग में थोड़ा मच हमें बेटर देखने को मिलता है, बट अगर आपको पुरानी वाली वाइब चाहिए कि भाई नहीं चलो हम OxygenOS से काम चला लेंगे, सब कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, सिनेरियो में OxygenOS बढ़िया देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे मैं नथिंग को विनर आपको बताना चाहूँगा। बात करके सेंसर्स के बारे में, तो दोनों हमें इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का सपोर्ट, USB टाइप सी का पोर्ट, डुअल स्टोरेज स्पीकर, डुअल सिम कार्ड का सपोर्ट देखने को मिलता है। हालांकि देखिए, OnePlus में हमें जो हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, जिससे आप इसमें SD कार्ड लगा सकते हो, नथिंग में हमें कोई भी SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता, प्लस नथिंग में हमें NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो OnePlus में हमें देखने को नहीं मिलता है। बात करें बिल्ड क्वालिटी डिजाइन के बारे में, तो भाई देखिए, दोनों हमें प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिल जाता है। OnePlus में हमें जो OnePlus के ऐसे डिजाइन लैंग्वेज होती है, सादा सिंपल, वो देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें वर्टिकल फोल्ड में कैमरा लेआउट भी देखने को मिल जाता है और बॉक्सी टाइप का डिजाइन लैंग्वेज फॉलो किया गया। बट यहाँ पर अगर नथिंग की बात करें, तो उन्होंने जिंदगी बदल दी, जज्बात बदल दी, मतलब पूरी हल्का मचा के रख दिए, एकदम यूनिक डिजाइन लेके आते हैं। प्लस भाई बैक में हमें यहाँ पे जो 3 लाइट भी देखने को मिल जाती है, ट्रांसपेरेंट डिजाइन लैंग्वेज फॉलो किया गया। हालांकि यहाँ पे प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम ही देखने को मिलता है, बट डिजाइन वाइज अगर मैं बोलूँ, सबका टेस्ट अलग अलग होता है। डिजाइन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, जिसको एक यूनिक डिजाइन चाहिए, अलग डिजाइन चाहिए, तो उसको भाई यहाँ पे नथिंग का डिजाइन ज्यादा पसंद आने वाला है। बट जिसको चाहिए चलो ठीक ठाक डिजाइन ही, ज्यादा उसके लिए मायने नहीं रखता, मतलब एवरेज
डिजाइन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अलग भी होना चाहिए कि भाई आदमी गली चलते पूछ ले भाई आप कौन सा फोन यूज़ करो, तो सिनेरियो में आपको वन प्लस का डिजाइन ज़्यादा बेटर लगेगा। बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, तो भाई देखिए दोनों का बेस ब्रांड वन प्लस वाले का 8128 के साथ में 25,000 प्राइसिंग और 8250 के साथ में 27,000 रुपये देखने को मिलता है। और उसी जगह पर अगर हम बात करते हैं नथिंग के बारे में तो 24,000 8128 के साथ में 26,000 8256 के साथ में देखने को मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे कहीं 1500 बैंक ऑफर है, कहीं 2000 बैंक ऑफर है, तो मैं यहाँ पे बैंक ऑफर्स को काउंट नहीं करूँगा, आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। बट एक मेन मुद्दे की बात जहाँ पे भाई आपका खर्चा होना ही होना है, वन प्लस लेते तो चार्जर डब्बे में है, कवर मिल जा रहा है, फिर फ्रंट में जो एक पन्नी भी लगा के दी जाती, तो अगर आप फोन खरीद के लाते हो तुरंत आपको यहाँ पे भागना नहीं पड़ेगा दुकान पे, आपका काम बन जाएगा। बट अगर आप नथिंग का फोन खरीदो तो तुरंत भाई आपको 3000 का चार्जर मंगाना पड़ेगा, तो भाई 3000 आपका प्लस यहाँ पे खर्चा हो जाएगा, हमें डब्बे में कोई भी कवर देखने को नहीं मिलता है, तो भाई ये दो बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात है। तो प्लस 3000 और 100-200 रुपए अगर हम कवर का भी रख देते तब पर भाई 3200-3300 रुपए आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। तो कम में हमें नथिंग फोन 2 मिल रहा था, तो भाई यहाँ पे हमें जो 2000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो सिंपल से मैं आपको क्लियर शब्दों में बताना चाहूंगा, 25,000 का हमें जो वन प्लस का फोन देखने को मिलता है, 1000-2000 आपको बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो 23 से लेकर 24,000 के आसपास में अगर आपका बजट है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा अगर मुझे चूज करना होता पर्सनली वन प्लस का नोट C4 चूज करता, और लाइक बैलेंस और बहुत ही ज्यादा अच्छा फोन हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे, प्लस अगर आपने कभी वन प्लस का फोन यूज भी किया होगा नहीं भी किया होगा, मैं आपको सिंपल सा बोलना चाहूंगा कि भाई आपको कोई भड़कीला मतलब एकदम अलग डिजाइन वाला फोन नहीं चाहिए कि भाई नहीं अगर मैं चलूँ तो 2-3 लोग मुझे देखे कि भाई ये कौन सा फोन यूज कर रहा है। मैं आपको सिंपल सा क्लियर कट बताना चाहूंगा आपको वन प्लस का फोन प्रीफर करना चाहिए, वहाँ पे बैटरी डिस्प्ले तो लगभग सेम ही है, बट भाई बेटर कैमरा प्लस बेटर प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है। तो उस सिनेरियो में को ऑलराउंडर जो आपका एक्सपीरियंस होता है ना वो हमें वन प्लस में जो है ज़्यादा बेटर ज़्यादा अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, सुनर एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।